बच्चों का आलू का पराठा फेवरेट होता है ब्रेकफास्ट में, तो आज बस मैं वही बना रही हूँ। बच्चे इसको शौक से खाते हैं और यहाँ पर साथ साथ मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय। तो बस यहाँ पर दोनों चीज़ों की तैयारी चल रही है। तो ये गया मेरा आलू का पराठा तवे में। ये बच्चों को मैं हमेशा से ही गुनगुना पानी पिलाती हूँ सुबह सुबह। मीठू मीठू बेटा, आप अंदर से आके बाहर आके सो गए, उठो बदबू प्लीज़, फिर बस निकल जाएगी। उठो 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 उठो, वेरी गुड वेरी गुड। उठो मैं बच्चों, 5:45 को, हाँ 5:45 से तो ऊपर हो गया। उठो 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 मेरे बाबू, वो जगह है बेटा, वो तो ऑलरेडी जगह है, पानी पी लिया उसने। चलो पानी पियेंगे, चलो ठीक है। उठो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए फ्रूट्स रख दिए हैं और ये कंपलसरी होते हैं टिफिन में। गुड गर्ल गुड गर्ल, चलो डू फास्ट। मैं रेड चटनी बना रही हूँ मोमोज वाली, मीठी आलू के पराठों के साथ, यही चटनी पसंद करती है। आगे मत जाओ। जल्दीबाजी में विद्यांश अपना जो चश्मा है वो घर पे ही भूल आया और मैं अब भाग के जा रही हूँ उसको देने के लिए, और बस गेट पे ही खड़ी है और वो वेट ही कर रही थी मेरा। बाप रे, ऐसी हवा। गुड मॉर्निंग मिश्का। गुड मॉर्निंग। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चों को मैं स्कूल नीचे बस स्टॉप तक छोड़ के आ गई हूँ। बस स्टॉप नहीं है वो, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का एक गेट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने आजकल रूट चेंज किया हुआ है। तो आजकल ये हमारी सोसाइटी के गेट पे ही बस लेके आते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा हमें चल के जाना पड़ता था। अगर चल के जाना पड़ता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती, क्योंकि आज मॉर्निंग में एन मोमेंट पे बिल्कुल भाग दौड़ हुई है। विद्यांश अपना चश्मा घर पर ही भूल गया था, तो बस गेट पे आ गई थी और मुझे चश्मा लेने के लिए ऊपर आना पड़ा भागते भागते। लिफ्ट ने भी टाइम लगा दिया, तो बस फिर थोड़ा जो कंडक्टर होते हैं, तो बस ड्राइवर थे, उन्होंने बोला मैम थोड़ा जल्दी आया कीजिए। तो होता है जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है, बच्चे सुबह इतनी जल्दी उठने को तैयार नहीं होते हैं, और उठते भी हैं तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं फ्रेश एनर्जी लाने में अपने आप के अंदर। तो बस मैं अभी चाय पीऊँगी, मैंने अपने लिए चाय रख दी है और पूरा किचन मेरा बहुत मैसी हो रखा है, ये देखिए, वो भी मैं समेटूँगी। फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ अपने के लिए गर्मा गर्म चाय, और मुझे अभी एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, तो मैं आराम से एक चाय पीऊँगी, मिलते हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, और यहाँ पर मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे पूरा घर जो फैला हुआ है उसको मैं समेटना शुरू कर रही हूँ।
ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हैं। तो आज बच्चे बहुत खुश थे, एक्साइटेड भी थे और थोड़ा सा नर्वस भी थे, क्योंकि आज इनका डे टू था। तो डे वन की वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि डे वन में हमें बच्चों को लेने जाना होता है छुट्टी के टाइम पर, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं। लेकिन आज सेकंड डे था, तो बस बच्चे बहुत खुश थे। तो बच्चों को भी एक ना आदत सी हो गई थी घर में रहने की और घर में रहकर ही पढ़ाई करने की, तो उनका भी एकदम से माहौल चेंज हुआ है और उनके साथ साथ हमारा भी। तो आज घर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, बहुत शांति शांति से फील हो रही है घर में, क्योंकि हमें भी आदत हो गई थी उनकी चैं चैं सुनने की, मम्मा 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 कर सुनने की। और क्लास के बीच बीच में भी बच्चे कुछ ना कुछ अपने खाने के लिए, मंचिंग के लिए मंगाते ही रहते थे और मैं भी ला के देती रहती थी। तो वही बस आज थोड़ा अकेला अकेला सा फील हो रहा है, घर भी शांत शांत सा है। और घर में रौनक तो बच्चों से ही होती है, बच्चे घर पर नहीं है तो थोड़ा सा तो खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे स्कूल में ही अच्छे क्योंकि बच्चों का एक अपना माहौल होता है, अपना फ्रेंड सर्कल होता है, तो बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ ही पढ़ने में और खेलने में ही मज़ा आता है। तो आज बच्चे आके बताएंगे कि उन्हें स्कूल में कैसा लगा। अभी फ़िलहाल मुझे तो घर में थोड़ा थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। चले कोई बात नहीं, बच्चों का वेट करते हैं। और मेरे सुबह मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, दोपहर का लंच मैं अब बनाने जाऊँगी और आज लंच में मैं बना रही हूँ पुलाव। तो बस चलिए बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में। तो ये पुलाव, तो बस अभी मैं जाऊंगी किचन में और बहुत टाइम से पुलाव नहीं बनाया, तो पुलाव बनाते बच्चों को लेने के लिए स्कूल गई थी। खाना मैंने बनाया हुआ है पुलाव, तो आते ही मीठी ने लड्डू खाया चौलाई वाला। और अब मीठी ड्रेस चेंज करो, फिर अब खाना लगाऊंगी। तो एक्चुअली मैं बच्चों की आधी यूनिफॉर्म आ गई थी, आधी यूनिफॉर्म मैं आज लेके आई हूँ, तो यूनिफॉर्म की शॉर्टेज थी, तो आज पता किया तो यूनिफॉर्म मिल गई। तो आने के टाइम पर मैं यूनिफॉर्म भी लेके आ गई, तो कल से बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएंगे, क्योंकि स्कूल वालों ने भी बोल दिया था कि जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी तब तक आप फॉर्मल ड्रेसेस में बच्चों को भेज सकते हैं। तो बच्चे अभी तक हाउस ड्रेस पहन के ही जा रहे थे, कल से प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएंगे। तो आज बहुत सेकंड डे ही था, मैं किसी रीज़न से फर्स्ट डे। तो बच्चे अभी नए नए बस में आ रहे हैं, नया रूट चेंज हुआ है, तो पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ बस में आना पड़ता है रूट देखने के लिए। तो बस वही मैं भी स्कूल गई थी और बच्चों के साथ बस में बैठ के आई। तो बस अब मैं बच्चे थोड़ा सा फ्रेश होंगे, फिर अब मैं इनके लिए लगाऊंगी खाना। तो यहाँ पर देखिए पुलाव बन के रेडी हो चुका है, अब मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म पुलाव सर्व करूँगी। तो बच्चों का वैसे भी फेवरेट होता है पुलाव, और मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट है, और यहाँ पर वो उसको दही के साथ और घी के साथ ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को खाना सर्व कर दिया है। बच्चों ने आज हमसे ट्रीट मांगी, तो कहा कि हमें कुछ अच्छा सा खिलाइए। तो ऐसे ही हमारे घर के पास स्ट्रीट मार्केट है, हम वहीं पर बहुत सारी खाने की वैरायटी मिलती है। तो मीठी हमारे साथ आई, कुछ हमने वहीं पे खाया मोमोज़ वगैरह, और कुछ बाकी हम पैक करा के घर लेके आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग किसी भी रीज़न पर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।